बीते सप्ताह थाना कला गांव के ग्रामीण सरपंच बलराम की अगुवाई में शहर के थाना कला रोड बाईपास पर एकत्रित हुए थे और उन्होंने मांग की थी कि उनके गांव के रास्ते के लिए सर्विस रोड देने के साथ ही अंडरपास की भी सुविधा मुहैया कराई जाए। वहीं पर गोपालपुर गांव के लोगों ने भी ऐसी ही मांग जिला उपायुक्त से की है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान खरखोदा ने उनके गांव में जाने वाले रास्ते के लिए सर्विस रोड की सुविधा तो दी जा रही है, लेकिन हाईवे बनाने के बाद इस मार्ग से गांव की तरफ जाना आसान नहीं होगा। ग्रामीणों के साथ ही अन्य वाहन चालकों के लिए यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसे में उन्हें गांव के रास्ते पर एक अंडरपास दिया जाए। इतना ही नहीं, पानी निकासी के लिए NH के नीचे से पुलिया का भी निर्माण किया जाए। ग्रामीणों ने इस मांग पत्र पर खरखोदा के वार्ड पार्षदों के भी हस्ताक्षर करवाए हैं, जिन्हें उपायुक्त सोनीपत को सौंप कर ग्रामीण अपनी मांग रखेंगे। मैं ग्राम पंचायत गोपालपुर से सरपंच बोल रहा हूँ। हमारा जो रोड बंद किया जा रहा है इसके बारे में बता रहा हूँ। अंडरपास था तो हमने CM विंडो लगाई है, DC साहब को भी अप्लीकेशन दी है, रमेश कौशिक को भी दी है 15 दिन पहले। इसलिए हमारे गांव के साथ कई गांव लगते हैं, तो इसका ये रास्ता है। हम अपना रास्ता खुलवाने के लिए बहुत 1 महीने से घूम रहे हैं, हमारा रास्ता खुल जाए। हमारी सरकार से मांग है कि है ना, हमारा गोपालपुर रोड के लिए अंडरपास है ना बनाया जाए। इसके लिए हमने CM विंडो पर ज्ञापन दिया है, DC साहब को ज्ञापन दिया था और MP साहब को ज्ञापन दिया था। इसके लिए हम एक पत्र नितिन गडकरी को भी भेज रहे हैं, जिसमें है ना 100 पार्षद और है ना 100 पंचायत, जिसमें गोपालपुर ग्राम पंचायत दोनों, 100 पंचायत लड़ा और है ना कानी ग्राम पंचायत, वे है ना सभी है ना MP साहब को और है ना CM विंडो पर और नितिन गडकरी को ना प्रस्ताव भेज रहे हैं। संदीप जी, कितने गांव का रास्ता लगता है गोपालपुर रोड? गोपालपुर बाधागढ़ का रास्ता लगता है, इस पर तकरीबन 10 गांवों का रास्ता ही है। और हमारे सरकार से मांग की है ना अंडरपास बनाया जाए। खबर तहलका के लिए खरखोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।